चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की चिल्लाते हुए कह रही थी, पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है कि वहाँ गली में एक लड़की मुसीबत में है। जिसे सुन उसके आगे वाला कॉप्स कहता है, ओह ठीक है मैं वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ। पर वह लड़की अभी भी चिंता करते हुए उस ओर देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। वह पुलिस ऑफिसर उसके जाने के बाद कहता है, तो अब क्या? और फिर वह अपने पास बैठी एक लड़की से कहता है, क्या हमें यहाँ पर क्लॉक आउट कर देना चाहिए? इतना बोलते हुए वह जब आगे जाता है तो वह लड़की उसी परेशान होते हुए सेम लड़की की ओर देखते हुए कहती है, सर क्या वह वही लड़की नहीं है जिसके बारे में वह बात कर रही थी? ऐसा लगता है कि जैसे उसे हमारी मदद की जरूरत है। पर वह बंदा उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उससे कहता है, उसकी मदद करना, क्या तुम पागल हो गई हो? हम यहाँ पर केवल दो ही लोग हैं। वह लड़की हैरान होते हुए कहती है, क्या माफ करिएगा? वह बंदा उसे बताते हुए कहता है, क्या तुम देख नहीं पा रही हो, वहाँ पर कई सारे लोग हैं। हम दोनों ही केवल वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ शायद हम बैकअप के लिए कॉल कर सकते हैं। ये सारे लोग प्रोबेबली अपने मजे लेने के बाद उसे जाने देंगे। यह पहली बार नहीं है जब हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं। इतना वह बोल ही रहा था कि तभी उस लड़की कॉप्स को एक आवाज आती है जो कि कह रहा था, कोई बास्टर तुम लोग उसे जाने दो। वह दोनों भी उस आवाज को सुन उसकी ओर देखता है जहाँ पर एक अनजान पर्सन उन सारे गुंडों के आगे आते वहाँ पर खड़ा होते हुए उन सभी की ओर देख रहा था। जिसे देख उन सारे गुंडों का बॉस कहता है, फक ऑफ बेवकूफ यहाँ से निकल जाओ। पर वह बंदा दोबारा कहता है, वही जदो इंसान मैंने तुमसे पहले क्या कहा, उसे जाने दो। वह बॉस जिससे परेशान होते हुए उस लड़की को छोड़ उसकी ओर आते हुए कहता है, ओह वेल यदि मैं उसे नहीं जाने देना चाहता तो तुम क्या करोगे? इतना वह बोल ही रहा था कि तभी वह अनजान पर्सन उसे खतरनाक तरीके से एक मारता है जिसके कारण उस बंदे की पूरी तरह से हालत खराब हो गया होता है। उसके मुंह से वह सिगरेट भी नीचे जाकर गिरता है जिसके कारण, और फिर वह अपने नाक को पकड़ता हुआ जमीन पर गिरते हुए कहता है, मेरी नाक, तुमने बेवकूफ मेरी नाक तोड़ दी। वही सेम टाइम पर हम उन दोनों कॉप्स और साथ ही उस बॉस के बंदे को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसकी ओर देख रहा था। वह अनजान सा कॉप बंदा अपने हाथों को मरोड़ता हुआ दोबारा उन सभी से कहता है, यदि तुम नहीं चाहते हो तो मुझे तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करनी होगी। उस बॉस के पीछे से उन सारे बंदे भी तैयार होते हुए कहता है, वही तुम बेवकूफ फकिंग कॉप, तुम्हें क्या लगता है हम सभी कौन है? इतना बोलते हुए वो सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे की ओर भागता हुआ उससे कहता है, तुम आज यहीं पर मरोगे बेवकूफ। पर इस चीज से उस कॉप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह दोबारा से अपने पंच को बनाता हुआ उस बॉस के चेहरे पर एक खतरनाक तरीके से मारता है जिसके कारण वह बंदा दोबारा से पीछे की ओर जाने लगता है। साथ ही उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था। वह कॉप उसकी ओर देखता है लेकिन हम सेम टाइम पर पीछे उन दोनों कॉप्स को भी देखते हैं जो कि उस अनजान से कॉप को ऐसा करता हुआ देख काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। और मैं आपको बता दूं यही बंदा हमारा MC है। वह उस बॉस के पीछे आते हुए उसकी ओर बैडेस लुक के साथ देखता है जबकि वह बॉस अभी भी अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोच रहा था, डैम धत्तेरी की धिक्कार है बेवकूफ कहीं के, तुम फकिंग बास्टर, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वह अपने पास से एक चाकू निकालते हुए मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए कहता है, तुम फकिंग कमीने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम जरूर मरोगे। मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? इससे पहले क्या तुमने कभी किसी को मारा है? बॉस चिल्लाते हुए कहता है, कमीने हाँ मैंने मारा है, इससे पहले भी कई सारों को मारा है। एमसी उसकी बातों को सुन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारे बम में है इतना दम तो आकर मुझे मारो, तुम्हारे हाथ पर कोई खून नहीं लगा है और केवल तुम्हारे आंखें देखने से ही पता चलता है कि तुमने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बॉस जिसे सुन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता? एमसी कहता है, ओ तो तुम मार सकते हो, तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। और फिर उसके हाथ को पकड़ अपने सीने पर लगाते हुए कहता है, बिल्कुल इसी जगह तुम अपने चाकू को मारो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो। इतना बोलते ही वह बॉस काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और MC उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस उसकी बातों को सुन और भी ज्यादा घबराते हुए अपने चाकू तक को नीचे गिरा देता है और फिर इसी के साथ पीछे हटते हुए उससे कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? मेन कैरेक्टर उसके कंधे बाहर रखते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ? पीछे वह दोनों कॉपी उसकी ओर देख उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। मेन कैरेक्टर उसे बताते हुए कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे जैसे गधों को जेल में डालता है। इतना बोलते ही वह उसके कंधे को नीचे की ओर दबाते हुए उसकी ओर क्रीपी स्माइल के साथ देखता है और दोबारा उसे बताता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इसी के साथ सीन कट होकर हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं इंचियन पोर्ट पर, जहाँ पर कोई पर्सन एक जगह आते हुए किसी चीज को खोलता हुआ जब उसके अंदर देखता
लगता है तो वहाँ पर कई सारे लोग अपने हथियार को लेकर उसकी ओर देख रहा था। वह पर्सन जिसे देख उन सभी से कहता है, यहाँ पर तो हर कोई पहले से ही आया हुआ है। यह पर्सन बिग वांग होता है और इसका कोड नेम किलर होता है। उसके आगे वाला एक ब्राउन बाल का बंदा कहता है, आखिरकार तुम्हें इतना देर क्यों हुआ। यह बंदा मैपल लीफ होता है और इसका भी कोड नेम किलर ही होता है। वह बिग वांग से कहता है, क्या तुम कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हो, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मिशन होगा। बिग वांग उसे बताता है, मुझे इतनी देर नहीं हुई है और वैसे भी यह कैसा मिशन है। उसकी बातों को सुन उसी के पास दो और पर्सन उसकी ओर देखता है और वह पहले वाला बंदा एक स्माइल देता है। इसी के साथ हम देखते हैं बिग वांग के पीछे से एक बंदा अपनी चेन के साथ उस पर अटैक करते हुए कहता है, बुद्धा ने यह रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हारे साथ यह काम करूं, पर बिग वांग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर उसके द्वारा चेन से किए गए अटैक को अपने हाथों से रोकते हुए एक झटके के साथ उसकी ओर पलट कर देखता है और फिर उसी के साथ उसकी चेन को खींचता हुआ अपनी ओर उसको खींचने के बाद उसे नीचे गिराते हुए उसकी ओर देखता है और उस चेन को पकड़ते हुए कहता है, तुम सभी कर क्या रहे हो। मैपल लीफ अपने सारे बंदों को लेकर उसकी ओर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बस अपना जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट सेरेमनी का लेजेंडरी किलर बिग वांग। इसी के साथ वो सारे लोग उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर बिग वांग अपने हाथ में पहले से लिए हुए चेन के साथ एक बंदे के गर्दन में फंसाते हुए उसकी फेस पर अपने कोहनों के साथ एक जोरदार मारता हुआ उसे पीछे की ओर धकेलता है। लेकिन तभी उसके पीछे से दूसरा पर्सन अपने कुल्हाड़ी को लेता हुआ उस पर अटैक करता है, जिसे बिग वांग डॉज करते हुए उसकी ओर देखने के बाद उसके गर्दन पर अपने पैरों के साथ एक मारता हुआ उसके बगल से आता हुआ एक चाकू लिए पर्सन की ओर देखता है और फिर उसे भी वह काफी आसानी के साथ डॉज करता हुआ उसके गर्दन में भी अपने चेन को फंसाने के बाद उसकी गर्दन को ही मोड़ता हुआ तोड़ डालता है। मैपल लीफ जिसे देख थोड़ा सा सीरियस होता है। बिग वांग एक बंदे को पकड़ा हुआ उसकी ओर आते हुए कहता है, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि यह मुझे नीचे ले जाने के लिए काफी होगा। मैपल लीफ अपने पास से कुछ निकालता हुआ कहता है, फक अप तुम बास्टर्ड, मैं इसका यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मिस्टर बिग वांग यह बुद्धा का ऑर्डर है। तुम पहले ही बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हो, तो फिर तुम मेरे लिए चीजों को आसान क्यों नहीं बनाते और आसानी से मर क्यों नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है गन का यूज करने के बाद सफाई करना मुश्किल होता है। बिग वांग उसके पास आते हुए कहता है, क्या यह बुद्धा का ऑर्डर है। फक अप लानत है मेरी लास्ट मिशन, उसने मुझसे कहा कि इसके बाद मैं जो चाहूं करने के लिए फ्री हूं। बस इसी कारण से मैपल लीफ उसकी ओर क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तुम इसके बारे में उससे नर्क में जाकर पूछना, गुड बाय मेरे दोस्त बिग वांग। इतना बोलते हुए वह गन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बिग वांग भी उसे रोकने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन हम देख पाते हैं वहां पर बस ब्लड का छींटा ही उड़ता है। और फिर इसी के साथ हम सीन कट होकर किसी दूसरी जगह पर देखते हैं, जहां पर एक बुद्धा अपने ध्यान लगाता हुआ बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वह बुद्धा उस कॉल को अटेंड करते हुए आगे वाले पर्सन से कहता है, क्या तुमने काम को पूरा कर लिया। जिसे सुन कॉल के दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, यस सर, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बुद्धा उसकी बातों को सुन हैरान होते हुए कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हम देख पाते हैं कॉल की दूसरी तरफ हम देख पाते हैं बिग वांग ने मैपल लीफ को मारने के बाद उसके फोन को लेता हुआ बुद्धा को कॉल करते हुए कह रहा था, तुम फकिंग पीस ऑफ शिट। जिसे सुन बुद्धा उससे कहता है, क्या वह तुम हो बिग वांग। मैं तो यहाँ पर केवल अंतिम फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह तुम्हारे लिए था। बिग वांग उसे बताते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी टेम्पल में ही हो ना। बुद्धा उसे कहता है, मैं एक मॉन्क हूँ, इसीलिए मुझे जहाँ होना चाहिए वह निश्चित है कि टेम्पल ही होगा, पर क्या तुम यहाँ आने की हिम्मत कर सकते हो। हम देख पाते हैं उस टेम्पल के आगे कई सारे असासिन बिग वांग का इंतजार कर रहा होता है। जिसे देख बिग वांग कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस दरवाजे खोल कर तैयार रहना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। इतना बोलते हुए वह अपने फोन को नीचे की ओर फेंकता है और फिर अपने आगे खड़े सारे लोगों से कहता है, मैंने यहाँ पर खुद को ही इन्वाइट कर लिया, तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट नहीं किया तो चलो आमने सामने बातें करते हैं। उसके आगे सारे बंदे बिना कुछ कहे उसकी ओर देख रहा था, लेकिन तभी उन्हीं सभी के बीच से एक बॉडी बिल्डर बंदा उसके आगे आते हुए कहता है, मिस्टर बुद्धा फिलहाल के लिए अंतिम फ्यूनरल की तैयारी में बिजी है, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। बिग वांग उसकी बातों को सुन कहता है, क्या मिस्टर बुद्धा, मैं आज बेवकूफ, मुझे बताओ क्या असली बुद्धा एक बच्चे को किडनैप करने के बाद उसे असासिन बनने के लिए ट्रेन करता है और उनसे पैसे कमाने के बारे में सोच सकता है। जिसे सुन वह बॉडी बिल्डर वाला बंदा भी खामोश होता है, लेकिन वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर अपने एक्स को कसकर पकड़ते हुए बिग वांग पर अटैक कर देता है। पर बिग वांग उसके अटैक से बचता हुआ अपने नैप के साथ उसकी पेट के अंदर एक गहरा कट मारता है और फिर उन सभी से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। साथ ही वह अपने मन में सोच रहा था
इन सारे लोगों के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया, साथ ही तब तक ट्रेन किया जब तक कि मैं एक असासिन नहीं बन गया। मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी लाइफ, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, इतना वह सोचते हुए वहाँ के सारे लोगों को मारता हुआ जा रहा था कि तभी कोई उसके पीछे से आता हुआ उसके कंधे पर चाकू मार डालता है, जिसके कारण वह जब पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन बिगवांग उस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर उसकी ओर अपनी नाइफ को लेता हुआ डेविल की तरह दौड़ता है और अपने मन में दोबारा कहता है। लेकिन अभी देख पाते हैं उसने वहाँ के सारे बंदे को मार दिया होता है, लेकिन अंत में उसके सामने खड़ा होता है वही बुद्धा। बिगवांग उसे अपने सर पर ऐसे गन ताना हुआ देख अपने मन में सोच रहा था वो केवल वही चीज लेने आया है जो मैंने छोड़ दी, मेरी लाइफ। जिसके बाद वह बुद्धा से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने दोगे, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अपने अंतिम मिशन के बाद जैसा भी चाहूं मुझे जीने दोगे, तुमने प्रॉमिस किया था। इतना बोलते हुए वह काफी जोरों से चिल्लाता है। बुद्धा उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसे बताता है, मैंने वही किया और अब मैं तुम्हें भी वही करने का मौका दे रहा हूँ। बिगवांग हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? बुद्धा उसके पास आते हुए कहता है, बिगवांग सारे लोग अंत में मरते हैं, एक मनुष्य के रूप में जीना ऐसा ही होता है, इसीलिए अब तुम। बिगवांग भी उसकी बातों को सुन अपनी सिचुएशन पर हंसता है और वह बुद्धा गौर को प्रे करते हुए कहता है, हे महान दयालु बुद्धा, इस बच्चे पर दया दिखाना। इतना बोलने के बाद वह उसे गोली मार डालता है। पर सेम टाइम पर हम बिगवांग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था, मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। इतना बोलते हुए वह नीचे गिरने के बाद कहता है, क्या यही नर्क होता है? पर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और फिर जब उसकी आंखें खुलता है तो उसके सामने कुछ लोग उसे चिल्लाते हुए कह रहा था, hey, तुम अपनी आंखें अब चलो खोल भी दो। बिगवांग हैरान होते हुए सभी की ओर देख रहा था। वह सारे लोग भी उसकी ओर देखते हुए कहता है, hey, कॉप्स, तुम्हारे साथ क्या गलत है? डॉक्टर ने हमें बताया है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तभी उसके पास एक लड़की कॉप उसे कहती है, ओए किम ग्योंग सू, चलो मेरे साथ चलो। बिगवांग हैरान होते हुए कहता है, अब यह किम ग्योंग सू कौन है? जिस चीज को सुन उसके पास में ही मेल कॉप्स उसे एक आईडी कार्ड और एक आईना देते हुए कहता है, यह तुम्हारी आईडी कार्ड है और साथ ही यह मिरर, तुम अब जान सकते हो कि किम ग्योंग सू कौन है। यह हमारे इल्सन पुलिस स्टेशन है, यह हमारे इल्सन पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस मैन है और इन सभी के बीच तुम ये रहे, किम ग्योंग सू। बिगवांग भी हैरान होते हुए सोचता है, क्या एक लीजेंडरी असासिन बिगवांग? अरे यार, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और यह पर्सन कौन है? ये सारी चीज मेरे साथ क्यों हो रहा है? या मैं एक पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ? इसी के साथ वह पुरानी बातों को याद करने लगता है जो कि उस मॉन्क ने उससे कहा था, मैं तो केवल यहाँ पर आखिरी फ्यूनरल की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह तुम्हारे लिए था? और फिर इसी के साथ हमें पता चलता है कि उसका रिकार्नेशन हो गया है एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, जहाँ पर वह अपने रिवेंज को लेने के लिए प्लानिंग बना रहा होता है, लेकिन फिर भी वह यहाँ पर अपने फेस पर थप्पड़ खा रहा होता है। और मैं आपको बता दूं, यह पुरानी बातें होती है नए बॉडी की। उसे दो कॉप मारते हुए कह रहा होता है, किम ग्योंग सिंह, तुम मदरफकर। साथ ही हम देख पाते हैं वही पहले वाली लड़की उन दोनों कॉप के आगे अपने सर को जमीन पर रखे हुए झुकी हुई होती है, जिसे देखते हुए वो दोनों कॉप कहते हैं, अब इसके बारे में क्या, हमें क्या करना चाहिए? मेन कैरेक्टर वापस से प्रेजेंट में आते हुए कहता है, यह पास्ट, नहीं यह नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश करके देख ली है, मैं सच में मर गया हूँ। तभी वह लड़की कॉप उस पर चिल्लाते हुए कहती है, वही तुम आखिरकार खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं पर दूसरा पर्सन उसे बताता है, तुम लकी थे कि ऐसा जब हुआ तब रस्सी टूट गई, जिसके कारण तुम एक सप्ताह तक ठंडी से बचे रहे। उसी समय वो लड़की दोबारा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम काफी ही बड़ा बेवकूफ हो, तुम सोच क्या रहे थे कि तुमने उस बास्टर्डो का नाम अपने सुसाइड नोट में लिखी थी? तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से ये सारी बकवास चीजें बंद हो जाएगी? तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हें पता भी है तुमने जो नोट लिखी थी उसमें हमारे सुपीरियर ऑफिसरों का नाम लिखा हुआ है जो कि हमें धमकी दे रहे थे। और यार, मैं इस नोट को पढ़ने वाला नहीं हूँ, अगर तुम लोगों को जानना है तुम लोगों को इसमें क्या लिखा है तो तुम लोग रोक के इसे पढ़ सकते हो। जिसके थोड़े समय बाद हम वापस से उन दोनों ऑफिसरों को देखते हैं जो कि किसी पर चिल्लाते हुए कह रहा था, इस साल के सारे न्यूकमर इतने खराब क्यों है? इन दोनों बंदों में से आगे वाला बंदा सीनियर पुलिस ऑफिसर वांग चुअलमिन होता है, जबकि पीछे खड़ा बंदा सीनियर पुलिस ऑफिसर वांग योंग चैन होता है। चुअलमिन दोबारा से मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए कहता है,
वही क्यूम गोइंग सिंह, तुम्हारे पेरेंट ने क्या डबल सुसाइड कमिट किया था क्राइम करने के जस्ट बाद? तो फिर तुमने उसके सूज को फॉलो क्यों नहीं किया? उसके पीछे खड़ा बंदा कहता है, क्या ही अजीब बात है, एक क्रिमिनल का बेटा कैसे एक पुलिस ऑफिसर बन सकता है। उन सभी की बातों को सुन मेन कैरेक्टर गुस्से के साथ कहता है, यदि तुम दोनों इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते हो तो अपने इस कचरे मुंह को बंद कर लो। जिसे सुन आगे से कोई कहता है, आखिरकार तुमने हमारा नाम उस नोट पर क्यों लिखा था बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने के बाद तुम बच सकते हो? इतना बोलते हुए वह उस पर अटैक करता है, पर हम बस एक चीख को सुन पाते हैं। मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखते हुए कहता है, ओए तुम मदरफगर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वह बंदा अपने हाथ को ऐसे रुका हुआ देख कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को रोकने की? बिगवांग को ऐसा करता हुआ देख वह दोनों लड़का और लड़की कॉप उन दोनों सीनियरों के सामने अपने सर को झुका देता है। जिसे देखते हुए वह चोलमोल कहता है, चौग्योन जी। वो लड़की कहती है, यस सर। वह बताता है, क्या इसे रेबेलियन के रूप में नहीं माना जाएगा? वह लड़की घबराते हुए कहती है, मैं यहाँ अपने सर को नीचे झुकाए हुए कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ सर, प्लीज मुझे माफ करिएगा। चोलमोल का दूसरा साथी उसके पास आते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है। इतना बोलते हुए वह उसकी बालों के साथ खेलने लगता है। जिसे देखते हुए चोलमोल उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मदरफकर यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी मदद खुद से ही कर लूं? वह बंदा अपने साथी की ऐसी बातों को सुन बिगवांग की ओर देखता है, पर बिगवांग उसकी ओर देखते हुए कहता है, इस जगह पर काफी ही ज्यादा गंदगी भरी हुई है। चोलमोल उसकी ओर गुस्से के साथ कहता है, क्या तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? पर बिगवांग उसकी हाथों को पकड़ता हुआ और भी कसकर क्रश करने लगता है, जिसके कारण वह बंदा पेन में काफी ही जोरों से चिल्लाता है। बिगवांग उस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर और भी उसकी हाथों को जोरों के साथ दबाने लगता है, जिसके कारण वह बेचारा काफी ही परेशान होता है। वह लड़की और वह बंदा भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? चोलमोल दर्द के मारे बिगवांग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज मेरे हाथों को छोड़ दो। लेकिन बिगवांग अपने दो उंगलियों के साथ एक टेक्निक का यूज करते हुए उसकी गर्दन पर मारता है, जिसके कारण वह बंदा एक ही झटके के साथ बेहोश होता हुआ नीचे जाकर गिरता है। चोलमोल का दूसरा साथी अपने साथी को ऐसा गिरता हुआ देख कहता है, ब्रदर व्हाट द फक, ये क्या हुआ? लेकिन साथी वह कुछ और भी देखकर घबरा जाता है। बिगवांग अपने पैरों के साथ उसको कुचलने के लिए बिल्कुल ही उसके सामने खड़ा होता है। जिसे देखते हुए कहता है, सेठ तुम कर क्या रहे हो? लेकिन भाई साहब हम देख पाते हैं उसकी बातों को बिगवांग पर कुछ भी असर नहीं होता, और वह अपने पैरों को लेता हुआ डायरेक्ट उस बंदे के मेन पार्ट पर रख देता है। उसके अगल बगल और भी सारे कॉप्स बिगवांग को ऐसा करता हुआ देख काफी ही ज्यादा हैरान होता है। वह बंदा अपने मेन पार्ट को ऐसा कुचलता हुआ महसूस कर दर्द के मारे काफी भयानक तरीके से चिल्लाने लगता है। वह लड़की भी उसकी ओर देख काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन वह बंदा अभी भी चिल्लाना बंद नहीं किया होता है। जिसे देखते हुए उसके बगल में वह जूनियर कॉप उसके पेन को महसूस करता हुआ अपने मुंह को बंद कर लेता है। जिसके थोड़े समय बाद हम देख पाते हैं वे सारे लोग काफी ही ज्यादा बिगवांग के ऐसे रूप को देख हैरान होते हैं। वह लड़की घबराते हुए बिगवांग को बताती है, यह एक रेबेलियन के रूप में माना जाएगा अपने सुपीरियर के अगेंस्ट जाने के कारण। बिगवांग उसकी बातों को सुन उसकी ओर देखता है। इसी के साथ हम सीनियर सुपीरियर बंदे को देखते हैं, जो कि काफी ही गुस्से के साथ एक रिपोर्ट को देखते हुए कह रहा था, तुम सारे बेवकूफों कहीं के यहाँ से निकल जाओ, ऐसे कैसे आजकल लोग होते हैं, सारे पुलिस वाले एक दूसरे के खिलाफ ही फाइट कर रहे हैं। जबकि हम सेम टाइम पर उसके कमरे के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चोलमोल काफी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अनकंट्रोल वे में कह रहा होता है, मुझसे दूर रहो और मुझे जाने दो। लेकिन सेम टाइम पर हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं, जो कि अपने मेन पार्ट को छुपाता हुआ कह रहा था, मुझे मत जाने दो। साथ ही इन सभी का सुपीरियर अभी भी चिल्ला रहा था कि एक जूनियर अपने सुपीरियर पर कैसे अटैक कर सकता है। ऐसे ही वे सारे फाइट करते हुए उसी सीनियर के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह सीनियर सुपीरियर ऑफिसर बिगवांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसरों को आसानी से फायर नहीं किया जा सकता है? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह वर्दी तुम दोबारा कभी नहीं पहन पाओ, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बिगवांग बिना कुछ कहे उसकी ओर देख रहा था। और फिर इसी के साथ हम किसी और जगह पर देखते हैं, जहाँ पर बिगवांग शाम के समय किसी जगह पर बैठा हुआ सोच रहा था, क्या सीरियसली यार सारे पुलिस ऑफिसर इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? जबकि उसी के बगल में एक माँ अपनी बेटी को उसी ओर इशारा करते हुए बता रही थी, वो देखो वो एक पुलिस ऑफिसर है। जिसे देखते हुए वह छोटी लड़की कहती है, वाओ क्या बात है, वह कितना अच्छा है। जबकि बिगवांग अभी भी उन दोनों पर बिना ध्यान दिए अपने साथी के बातों को याद कर रहा था, जो कि उन्होंने सीनियर सुपीरियर के ऑफिस से निकलने के बाद उसे बताया था। वह लड़की कॉप
अब कह रही थी उससे, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता था क्या। बीगोंग उसकी ओर देखते हुए कहता है, अब क्या हो गया, मैं तो बस अपना खुद का बचाव कर रहा था। जिसे सुने एक लड़का कॉप उसे बताते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए, हमारे सीनियरों का फादर एक डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर है। बीगोंग उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर। बंदा बताता है, हाँ तुमने सही कहा, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास एक ताइगुक मुंगौन है, इसीलिए अब तुम सेफ रहना, हम सभी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, साथ ही हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे यार। लियान अभी भी कंफ्यूज उन सभी की ओर देख रहा था और फिर वापस वह प्रेजेंट में आते हुए कहता है, यहाँ पर सारे लोग अंदर से बाहर तक सरे हुए हैं, वे कभी भी मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन उसके फादर के पास ताइगुक एक मुंगौन है जो की फोर्स में एक स्टार के बराबर होता है, मुझे कम से कम एक हाई रैंकिंग कॉप के रूप में रिवॉर्ड होना चाहिए था। अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी आउटकास्ट था और अब, लेकिन रुको एक मिनट। इसी के साथ वह अपने हेड को देखते हुए अपनी पुरानी लाइफ की बात याद करने लगता है, जहाँ पर वह एक छोटे बच्चे के रूप में पानी में भीग रहा होता है। उसी समय उसकी तरफ एक हाथ आते हुए उससे कहता है, बच्चे क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। छोटा बीगोंग उसकी ओर देखता है और फिर इसी के साथ उसका सफर एक असासिन के रूप में तैयार होता है, जहाँ पर वह अपने ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल ही आउटकास्ट कर दिया गया होता है। और आखिरकार अंत में जिस पर्सन ने उसे किडनैप किया होता है, वही पर्सन उसके सामने अपने गन लिए उसे मारता हुआ कह रहा था, बीगोंग मेरे बच्चे, महान दयालु बुद्धा तुम पर दया करेंगे। ना बोलने के बाद वह उसे गोली मार देता है। बीगोंग वापस से अपने रूम में आता हुआ किसी चीज को देखते हुए कहता है, किम ग्योनसु अपने पेरेंट के द्वारा उसे अबैंडन्ड कर दिया गया था, साथ ही उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन से अबैंडन्ड कर दिया गया जब तक कि वह मर नहीं गया। खैर उसमें और मुझ में कम से कम एक बात तो समान है। ना बोलते हुए वह किसी और देखता है, यहाँ पर कोई उसे बता रहा होता है, तुम बाहर आ जाओ। इसी के साथ दोबारा सीन कट होकर हम ग्योंडो प्रोविंस स्योबडू वेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर एक हाई लेवल का जनरल हांग जून एक रिपोर्ट को देखते हुए उसे बंद कर रहा था। वह उस रिपोर्ट को देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है, इसे बीते हुए एक अरसा हो गया, मुझे लगता है कि तुम बढ़िया रहे होगे। वह जनरल शॉक होते हुए कहता है, व्हाट द हेल। लेकिन उसके मुड़ने से पहले ही बीगोंग उसके गर्दन पर एक पेन को डालता है, वह कहता है, क्या हम थोड़ी देर बातचीत कर लें। जनरल परेशान होते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन। बीगोंग उसे बताते हुए कहता है, मेरा नाम बीगोंग है। जिसे सुने उस पूरे ऑफिस में एक खामोशी सी छा जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद वह दोनों एक दूसरे के सामने बैठा हुआ। वह जनरल उसे कह रहा था, यह कैसी बकवास है, खुद को बीगोंग कह रहे हो और साथ ही तुम बता रहे हो कि तुम मर के दोबारा जिंदा हो गए हो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या तुम इस बात पर विश्वास करते। बीगोंग उससे कहता है, मैं तुम्हें इस पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल तुम्हें इस चीज को लेकर साफ साफ धमकी दे रहा हूं। वह जनरल भी जिसे सुन खामोश रहता है। बीगोंग दोबारा उससे कहता है, मिस्टर हांग मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को देखा, वह हांगसु के तुम्हारे स्वीप ऑपरेशन में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वह बंदा बीगोंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम वास्तव में हो कौन, मुझे सच सच बताओ। बीगोंग कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया मेरा नाम बीगोंग है। लेकिन वह जनरल चलाकी दिखाते हुए एक सिग्नल को देते हुए कहता है, हे लिसन मिस्टर बीगोंग, मुझे लगता है कि यह हांगसु के बारे में बात करने के लिए सही जगह नहीं है, क्या तुम मेरे साथ कहीं और चलना चाहोगे। लेकिन तभी वह अपने डिवाइस की ओर देखता है जहां पर कोई भी हलचल नहीं हो रहा था, जिसे देख वह काफी हैरान होता है। लेकिन तभी बीगोंग उससे कहता है, मिस्टर हांग मैंने तुमसे पहले ही कहा था, क्या तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुमसे कोई एहसान मांगने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हें साफ साफ धमकी दे रहा हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं उस जनरल के ऑफिस के बाहर जितने भी गार्ड लगे हुए होते हैं, उसे बीगोंग ने काफी बुरी तरह से मार कर बेहोश कर दिया होता है। बीगोंग उस जनरल के और भी करीब आते हुए उससे कहता है, हेलो गाइस, वीडियो के अंत में मुझे तुम सभी से एक बात कहनी थी कि इसका अगला वीडियो अब सीधे संडे को आने वाला है और कल से द लेगेसी का एपिसोड दोबारा से कंटिन्यू होगा, इसीलिए ज्यादा इंतजार मत करना क्योंकि हो सकता है कि इस मानवा के ऊपर स्ट्राइक आ जाए, इसी कारण से मैं इसे कंटिन्यू नहीं रख सकता। और अगर लगातार कंटिन्यू 3 स्ट्राइक आ जाता है तो हो सकता है मेरा चैनल भी डिलीट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर मेरे उम्मीद से ज्यादा इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो शायद मैं रिस्क लेकर इसके अगले पार्ट को संडे से पहले भी डाल दूं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मेरे उम्मीद से ज्यादा आएगा। बस यही ना था तुम सभी से, मिलते हैं कल लेगेसी के एपिसोड के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।